देखिए, मैंने पहले कहा कि चुनाव का इशू मेरा भारतीय जनता पार्टी का विकास है। हम विकास के आधार पर अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर चुनाव में जाएंगे। मंदिर हमारे लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। मैं फिर दोहरा सकता हूं कि मंदिर वहां था, है और रहेगा। देश में 1300 से ज्यादा मान्यता प्राप्त या गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। इस देश का कानून और संविधान सबको इस बात की इजाजत देता है कि कोई भी अपना दल बना सकता है, चुनाव लड़ सकता है, गठबंधन कर सकता है। तो देश के नागरिक होने के नाते शिवपाल यादव जी को भी संविधान से हक प्राप्त है, वो दल बना सकते हैं। और अब उस पर जवाब श्री अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी को देना चाहिए कि शिवपाल जी उनसे क्यों अलग हुए, क्या प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी नीट गठबंधन राजग क्लियर है, हम किसके साथ चुनाव में जाने वाले हैं। और हम अपना जो हम 4.5 साल में मोदी जी ने जो काम किया, 18 माह में जो योगी जी ने काम किया, उसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। हमारा गठबंधन किससे है ये सबके सामने देखिए, श्री शिवपाल यादव जी ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा मेरी उपेक्षा हो रही थी। मुलायम सिंह जी ने कहा कि मेरा अपमान हो रहा था। तो अगर ये मान लिया जाए कि हमारे कहने से चल रहे हैं, तो उसके पहले इसका मतलब अखिलेश यादव हमारे कहने से चल रहे हैं। हमारे कहने से उन्होंने अपने पिता का अपमान किया, अपने चाचा का की उपेक्षा की, तब वो नाराज होकर उन्होंने दूसरी पार्टी बनाई और अब हम उनको चला रहे हैं। ये नहीं चलता है। हमारा दायित्व तो है कि भारतीय जनता पार्टी ठीक चले, हम भारतीय जनता पार्टी ठीक चले, हमारी सरकार ठीक चले, ये हमारा दायित्व तो है। समाजवादी पार्टी को ठीक चलाने का दायित्व तो अखिलेश यादव जी का है। उनके चाचा, उनके पिताजी अगर उनसे अपमानित हो रहे हैं, उपेक्षित हो रहे हैं, तो ये उनका अपना काम है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहते सरकार नहीं चला पाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते अपनी पार्टी नहीं चला पा रहे हैं।